वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का जो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम सीएमए इंटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर तीन प्रोसेस बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, प्रोसेस ए, बी और सी। लेकिन इसमें खास ये है कि जो प्रोसेस सी है ना, उसके अंदर जो लॉस है ना, उसका परसेंटेज नहीं दिया है, वो आपको सॉल्व करना है। एक्स लेके सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको सिखाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कहाँ से? सीएमई इंटर स्टडी मैट से। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, और इसके पहले का प्रोसेस का क्वेश्चन सब आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सर्च करो प्रोसेस कॉस्टिंग, अगर उस पर लिखा रहेगा सीएमए तो समझ जाना सीएमए क्वेश्चन है। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 30 के आसपास होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ पास टू थ्री प्रोसेस है, प्रोसेस तीन प्रोसेस से गुजरता है। 10,000 यूनिट एट ए कॉस्ट ऑफ 1.10 बस इशूड इन प्रोसेस वन, इनपुट डाला मशीन के अंदर, जैसा चक्की के अंदर गेहूं डालते हैं वैसे हमने इनपुट डाला। 10,000 इनपुट डाला, एक रुपये 10 पैसा का भाव है। अदर खर्चा नीचे दिया, टेबल में दिया, सेंट्री मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। नीचे पढ़ो, वेस्टेज दिया, ए में 5%, बी में 4%। नीचे लिखा है वेस्टेज ऑफ ए इज सोल्ड फॉर 0.25 पर यूनिट एंड बी 0.5 पर यूनिट और सी 1 रुपीज। ठीक है, वेस्टेज दिया, लेकिन एक बात ध्यान दिया, सी का वेस्टेज परसेंटेज नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, ओवरहेड हमेशा रहेगा, ओवरहेड 160% लेना लेबर का, जिधर जिधर लेबर जाएगा उधर उधर ओवरहेड आएगा 160%। फाइनल प्रोडक्ट लो, बेचते हैं 10 रुपये का, फेचिंग अ प्रॉफिट 20% सेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस, आपको बताना है वेस्टेज कितना परसेंटेज सी में। तो शुरू करते हैं, बहुत ईजी है। तो पहला हम बना लेंगे प्रोसेस ए, ठीक है, प्रोसेस ए। सर कॉलम कैसे बनाइए? सर बेसिक चीज़ है, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीस। पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीस, यूनिट, रेट और रुपीस। ठीक है, पहले ए बना लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन नहीं देख के कर रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन दिख रहा है। तो सुनो, सबसे पहला हम लिखेंगे बेटा इनपुट, तो लिखेंगे, क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा, टू इनपुट, बताओ इनपुट कितना डाला। ए और बी ईजी है, कोई भी कर लेगा। 10,000, रेट है 1.10, तो 10,000 इंटू 1.10 करो, 10,000 इंटू 1.1 आंसर आता है 11,000 का इनपुट हो गया। उसके बाद सन्ड्री मटेरियल, टू सन्ड्री मटेरियल, कितने का सन्ड्री मटेरियल है? 1500 का। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना? 4500। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 1000। और तेरे पीछे पीछे आऊँगा, सो नहीं है, ये लेबर का परसेंट निकाल, तो लिखने का टू ओवरहेड, ओवरहेड इसी का परसेंटेज निकालने का, कितना परसेंट है? 160%। तो 4500 का 160%, 7200, समझा? 7200 कैसे आया, ये समझा कैसे आई? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10,000 का कितना परसेंट लॉस है? नॉर्मल लॉस 5% है, तो 10,000 का 5% आंसर 500। अगर ये बिकता है तो बेचो, बंगार का भाव है इसका 0.25, तो 500 × 0.25 आंसर 125 रुपये बंगार बेच के मिल गया। अकाउंट टैली करने का, और इसका आउटपुट, आउटपुट नहीं दिया तो बैलेंसिंग फिगर पकड़ना है, तो लिखने का बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, जहाँ गोल कर रहे हो बैलेंसिंग फिगर है, ढूंढना नहीं किधर से है। तो 10,000 में से 500 निकाल, तो 9,500 इज़ द बैलेंसिंग फिगर। ऐसे रुपीस का टोटल करो, रुपीस का टोटल 11,000 प्लस 1500 प्लस 4500 प्लस 1000 प्लस 7200, 25,200। यहाँ पर भी लिखेंगे 25,200 माइनस 125, 250, बैलेंसिंग फिगर। सुन रही है क्या? ये बैलेंसिंग फिगर है, दोनों गोल गोल बनाया ना, बैलेंसिंग फिगर है। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको रेट मिलेगा 25075 डिवाइड बाय 9500, आंसर पॉइंट में आएगा, तो 2.63 राउंड ऑफ करो, 2.64 लिखो, बात खत्म। यहाँ तक समझा? पहला प्रोसेस समझ में आया कि पहला प्रोसेस हमने कैसे किया, ये तूने क्या किया। अब आते हैं प्रोसेस बी, मज़ा तो सी में आने वाला, इसके लिए मैं पढ़ाने के लिए, नहीं तो नहीं पढ़ाता था। प्रोसेस वन समझा ए, अब आते हैं प्रोसेस बी करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे प्रोसेस बी, इसका आउटपुट इसका इनपुट होगा, तो लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम
प्रोसेस ए कितना आया, कॉलम सब सेम रहेगा, मैं नहीं बना रहा हूँ, 2.64 25075। बोलो समझा। अब इसमें क्या लिखेंगे, ले वो इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। क्वेश्चन देखते रहो, नजर हटी दुर्घटना घटी तो टू सन्ड्री मटेरियल, तो सन्ड्री मटेरियल कितना 1500, टू डायरेक्ट लेबर 8000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000, और भूल न जाना ओवरहेड, तेरे पीछे पीछे आऊँगा, लेबर का है 160%, तो 8000 का 160% 12800। चलो भाग के क्रेडिट साइड, बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस बी में है 4%, तो 9500 का 4%, आंसर 380। अगर वो बिकता है तो बेचो, सेलिंग प्राइस है इसका 0.5, गलत पटरी पे सोए थे, हाँ, तो 380 इंटू 8 है ना, वो 190 रुपये बंगार बेच के मिल गया। अकाउंट टैली करो जैसा वो कहते, इसको भी ऐसे ही करना है, अकाउंट टैली करो जो डिफरेंस आएगा वो सी में जाएगा, लिखने का बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। बताओ बैलेंसिंग, तो 9500 माइनस 380, 9120 इज द बैलेंसिंग फिगर। ऐसी रुपीस का टैली करो, 25075 प्लस 1500 प्लस 8000 प्लस 1000 प्लस 12800, 48375 माइनस 190, आंसर आता है 48185। बेटा ये बैलेंसिंग फिगर इसीलिए गोल किया हूँ मैं, इसको इससे डिवाइड करो तो रेट मिलेगा तुमको, 48185 डिवाइड बाय 9120, आंसर आता है 5.28। आ रहा है क्या? अब आते हैं लास्ट, जिसके लिए हम आए हैं आपको पढ़ाने के लिए, कि पढ़ाना कैसे। ओके, तो सी वाला प्रोसेस आ जाओ, तो प्रोसेस सी वाला जो है ना, अभी हम यहाँ ही मजा आएगा, दिखाई तो देगा, हाँ इतना में आ जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं बेटा सी वाला, यू कैन सी इट, प्रोसेस सी। इसका आउटपुट, इसका इनपुट तो लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम बी, कितना आया 9120 5.28 48185। अब आ जाओ खर्चा लिखते हैं, प्रोसेस सी का खर्चा, प्रोसेस सी का खर्चा लिखते हैं। प्रोसेस सी का खर्चा क्या है, टू सन्ड्री मटेरियल कितना 1500, टू डायरेक्ट लेबर 6500, और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1503। बराबर लिखो, और भूल नहीं जाना ओवरहेड 160%, इसका 160% निकालो, 6500 का 160%, 10400। यहाँ तक समझा, अकाउंट टैली करो। अब याद करो इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या है, इस क्वेश्चन में बोले थे कि वो लॉस है ना हमको मालूम नहीं है, अभी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा आपको, तो लॉस तो है पक्का बाय नॉर्मल लॉस, लेकिन मालूम नहीं कितना है, मालूम नहीं कितना है, तो ऐसे छोटा सा लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। लेट द नॉर्मल लॉस, एजम्पशन लेते हैं, लेट नॉर्मल लॉस यूनिट बी एक्स, अगर नॉर्मल लॉस एक्स होगा, यूनिट तो यह छोटा सा लिख दे आपको समझ, बाद में इरेज कर दूंगा, ये अगर एक्स होगा, लेकिन इसका बंगार का भाव 1 रुपये किलो, तो एक्स इंटू 1 कैल्सियम में नहीं जाएगा, एक्स इंटू 1 एक्स आएगा, मैं हटा दूंगा बाद में एक्स। हाँ, तो इसका जो आउटपुट है हम फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे, बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक, वहां से हम सेल कर देंगे। बताओ बैलेंसिंग कितना आता है, तो 9120 हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू निकालेंगे, सीपीयू ध्यान देना, सीपीयू का फॉर्मूला, सीपीयू का फॉर्मूला क्या है, डेबिट टोटल, तो डेबिट टोटल करो ये स्टेज पे। फोर पहले एक बात मालूम होना चाहिए, वो लोग ने सेलिंग प्राइस दिया फाइनल प्रोडक्ट का, तो सी प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, तो कॉस्ट रहेगा 80, एक पीस वो 10 रुपये का बेचते, क्वेश्चन में दिया है एक पीस वो 10 रुपये का बेचते, बेटा उसका कॉस्ट इसका मतलब 8 रहेगा। देयरफॉर सीपीयू का फॉर्मूला, सीपीयू का फॉर्मूला है, डेबिट टोटल करो पहला, पहले आप सीपीयू पे फोकस करो, सीपीयू कैसे निकाल रहे हैं, डेबिट टोटल करो पूरा, तो 48185
प्लस 1500 प्लस 6500 प्लस 1503 प्लस 10400। डेबिट टोटल आता है बेटा 6808 माइनस भंगार बेच के तेरा कैसे कितना पैसा निकल गया एक्स, ये रुपीस वाला एक्स होल डिवाइड बाय यूनिट्स 9120। ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे प्लेलिस्ट में है, सब देखो। यूनिट्स माइनस स्क्रैप का यूनिट्स एक्स, और सी स्टैंड फॉर सीपीयू, सी स्टैंड फॉर सीपीयू, सीपीयू हमने निकाला 8 इक्वल टू ये कॉस्ट है कॉस्ट 6808 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 9120 माइनस एक्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको पूरा 8 से इंटू कर दो, 8 इंटू 9120 माइनस एक्स इक्वल टू 6808 माइनस एक्स, खुल जा सिम सिम। तो 9120 इंटू 8 आंसर 72960 माइनस 8x इक्वल टू 6808 माइनस x, x वाली ये साइड आ जाओ और ये नंबर वो साइड चले जाओ 72960 माइनस 6808 इक्वल टू माइनस x प्लस 8x, यहाँ आ जाएगा 7x, यहाँ आ जाएगा 7x इक्वल टू माइनस करो 72960 माइनस 6808 4872। तो व्हाट इज द वैल्यू एक्स 4872 डिवाइड बाय 7 आंसर आता है 696। क्या है सर यूनिट्स है यूनिट्स अब आया आंसर। तो देयरफॉर अब आंसर लिखे इसका मतलब 696 यूनिट्स लॉस हुआ है, एक्स को हटा देता ऐसे पेंसिल से लिखा था मैंने 696 यूनिट्स खराब हुआ और 1 रुपये किलो मतलब बंगार बेच के 696 रुपीस मिलेगा। क्वेश्चन में ये भी पूछा था कितना परसेंट लॉस हो गया, तो लॉस हमेशा इनपुट का परसेंट होता है, तो देयरफॉर लॉस परसेंटेज 696 डिवाइड बाय 9120 इंटू 100, हम आपके हैं कौन कितना परसेंटेज आप हमारे, तो 696 डिवाइड बाय 9120 परसेंटेज आंसर आता है 7.63%। मतलब सी में लॉस कितना परसेंट लॉस है 7.63, इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा जी। तो 9120 माइनस 696 आउटपुट कितना बेचा होगा 8424 सेल किया होगा और रुपीस का बैलेंसिंग रुपीस का डेबिट टोटल तो यही रहेगा 6808 माइनस 696 आंसर बैलेंसिंग आता है 67392। और चेक करना है जादू कॉस्ट पे होता है ट्रांसफर हमेशा कॉस्ट पे होता है, तो इसको इससे डिवाइड करो तो 8 रुपये आएगा पक्का, नहीं तो पेज फाड़ के फेंक दो 67392 डिवाइड बाय 8424 वाओ आया आंसर। तो ट्रांसफर हमेशा कॉस्ट पे होता है, बाद में इसको सेल करेंगे प्रॉफिट लॉस में 2 रुपये का 10 रुपये का भाव से तो 2 रुपये प्रॉफिट होगा, ये इंपॉर्टेंट था सबको समझा। लॉस कैसे निकाला फिर से दिखाता हूँ, हमने क्या किया इसको एक्स पकड़ा, इसको हमने क्या पकड़ा एक्स लिया था, तो एक्स इंटू 1 ये एक्स आया था हाँ, तो ये यही लिखा है। पहला कॉस्ट कैसे निकाला बोले थे एक प्रोडक्ट 20% प्रॉफिट में बेचते हैं, मतलब 10 रुपये का बेचे हो ना तो 8 रुपये उसका कॉस्ट है, तो सीपीयू का फॉर्मूला लिखो इसको सॉल्व करो यहाँ से एक्स मिलेगा, एक्स यूनिट है एक्स यूनिट है, तो देयरफॉर यूनिट है 696। मतलब ए में सी में लॉस कितना परसेंट हुआ है 7.63% का लॉस हुआ है, समझा। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और सीएमए इंटर का लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाय बाय।